लाइव तस्वीरें गांव पंगाड़ा से देख रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी योगेंद्र राणा का बड़े जन सैलाब के द्वारा यहां पर स्वागत किया जा रहा है, मोटरसाइकिलों के साथ, गाड़ियों के साथ। योगेंद्र राणा जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। और गांव पंगाड़ा में छंगा चपाल में इस समारोह का आयोजन यहां पर किया गया है। और ये देखिए लंबा चौड़ा काफिला और हाथ जोड़ करके सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए भाजपा प्रत्याशी असंत विधानसभा योगेंद्र राणा, बड़ा भव्य स्वागत यहां पर किया जा रहा है योगेंद्र राणा जी का। और मतदान की अपील लेकर के वो पहुंचे हैं गांव पंगाड़ा के अंदर। ये देखिए किस प्रकार से पूरा जन सैलाब यहां पर उमड़ा हुआ और इंतजार करता हुआ योगेंद्र राणा की एक झलक पाने के लिए, और महिलाएं भी खड़ी होकर के यहां पर इंतजार कर रही हैं। और ये देखिए सभी पुरुष स्वयं हाथों में फूल मालाएं लेकर के उनके इंतजार में आंखें बिछाए बैठे हैं। और योगेंद्र राणा भाजपा प्रत्याशी पहुंच चुके हैं गांव पंगाड़ा छंगा चौपाल में। एक तरफा मोहल्ला पंगाड़ा गांव में, बिल्कुल भीड़ जी। और ये देखिए पुष्प वर्षा करके, फूलों की वर्षा करके यहां पर स्वागत किया जा रहा है योगेंद्र राणा जी का, और फूल मालाएं पहला पहना करके बड़ा भव्य स्वागत यहां करते हुए गांव पंगाड़ा के अंदर। एक तरफा माहौल की तस्वीरें लगातार, ज्यादा से ज्यादा इन तस्वीरों को शेयर करें, बने रहें असंत अंचल हरियाणा के साथ। लाइव तस्वीरें इस समय असंत हलचल हरियाणा के माध्यम से देख रहे हैं, और फूलों की वर्षा करके और फूल मालाएं पहना करके भव्य यहां पर स्वागत किया जा रहा है। और देखिए बुजुर्ग का मान सम्मान करते हुए योगेंद्र राणा भाजपा प्रत्याशी असंत विधानसभा, ज्यादा से ज्यादा इन तस्वीरों के साथ बने रहे और वोट की अपील करने के लिए पहुंचे हैं पंगाड़ा गाँव छंगा चौपाल। और ये देखिए फ्लैक्स पर लिखा है फिर एक बार भाजपा सरकार, असंध की समृद्धि, योगेंद्र की जिम्मेदारी, चुनाव कमल का निशान जो है कमल का फूल। और आने वाली 5 तारीख को के लेकर के वो अपील करने पहुंचे हैं। ज्यादा से ज्यादा इन तस्वीरों को आप शेयर करें, बने रहें असंध हलचल हरियाणा के साथ। बड़े भारी जन सैलाब ने यहाँ पर योगेंद्र राणा जी का स्वागत किया है, मोटरसाइकिल बाइक का काफिला लेकर के यहाँ पर पहुंचा है। और देखिए किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर झंडे लहरा रहे हैं, भगमा में ही हो चुका है गांव पंगाड़ा, और बड़ा समर्थन यहाँ पर उनको मिलता हुआ। और देखिए नोटों की माला से योगेंद्र राणा जी का यहाँ पर मान सम्मान किया जा रहा है, नोटों की माला पहना करके सम्मान करते हुए गांव पंगाड़ा वासी। देखिए जहाँ जहाँ जाता हूँ जन समर्थन इतना मिल रहा है कि मैं सभी का, जितने भी असंध की जनता है उनका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आज जिस प्रकार से अभी तक ये मेरा दूसरा कार्यक्रम है, पहले कार्यक्रम में भी मैं अभी प्रताप सिंह झेरो जी के डेरे पे गया था, वहाँ भी बहुत काफ़ी संख्या में लोग थे, और अब यहाँ पंगाड़ा गांव में आया हूँ मैं। और हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और ये विशेष रूप से मैं सभी छत्तीस समाज के मेरे भाइयों का, विशेष रूप से पंगाड़ा के सभी वासियों का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ जी। कल नायब सैनी जी हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो कल
9:30 बजे गवर्नमेंट स्कूल का जो ग्राउंड है सावलन रोड पे उस पर पहुँच रहे हैं। वो मुझे आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं। मैं सभी भाइयों से अपील करना चाहूँगा कि सारे की सारा संत की जनता उनका आकर वहाँ स्वागत करे और अभिनंदन करे। सर, चुनाव बहुत सारी लड़वाई है, बिल्कुल चुनाव मैंने बहुत चुनाव लड़वाए पिछले 10 साल में जिला महामंत्री रहते और जिला अध्यक्ष के रहते हुए भी, लेकिन स्वयं पहली बार चुनाव लड़ रहा हूँ। मुझे जो मेरे पूर्वज हैं, जो मेरे राजनीतिक जैसे परिवार से मैं आता हूं, निश्चित रूप से उन सब का आशीर्वाद, जो उनके मान लो जो लोग थे वो लोग सभी मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। जो मेरे बुजुर्ग हैं, जो जहां जहां मैं जाता हूं, हमारे बुजुर्गों का, हमारे पूर्वजों के वजह से मुझे कहीं ना कहीं सम्मान मिल रहा है और लोग मुझे भरपूर आशीर्वाद दे रहे हैं। सर, शिक्षा के माध्यम से जो आप ऐसा बनाना चाहते हैं किसी भी बच्चे को कि वो आगे 10 को और नौकरी दे, जो आपका विजन है उसे कैसे आगे और? निश्चित रूप से सबसे पहला विजन मेरा यहाँ पर ये है कि मैं असंत को जिला बनवाऊँ और जिला बनने के बाद उसके बाद फिर मैं सोच रहा हूँ कि बच्चा जो है, जो हमारे देश का भविष्य है, वो नौकरी लेने वाला नहीं देने वाला बने, उसको इस प्रकार के उसके अंदर कुछ ऐसी उसको तैयार किया जाए कि कहीं ना कहीं वो अपना स्वयं का कारोबार करके, स्वयं का कुछ काम धंधा करके वो और लोगों को और बच्चों को प्रेरित करे। सुन रहे थे आप इस समय भाई योगिंदर राणा जीतेगा, भाई जीतेगा। और ये तस्वीरें आप देख रहे थे, सुन रहे थे भाजपा प्रत्याशी योगेंद्र राणा को, और ये लाइव तस्वीरें आपके सामने गांव पंगाड़ा से, और बड़ा जनसैलाब यहां पर निकल कर आया है स्वागत के लिए, और ज्यादा से ज्यादा जीत रिया सारा को, इसकी ना फिक्र करो, सब जीत रिया सब। विधायक बनेंगे? हाँ, विधायक बनेगा। बनाया दिया, बनेगा बनाया दिया, बनेगा नहीं बनाया दिया। साथ में मंत्री पद भी आएगा? हाँ बिल्कुल आएगा जी। हाँ बिल्कुल।